हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रियान एलिफ को जब दूसरे रूम में लेकर गई होगी बात करने के लिए, तभी वहाँ पर मीरान और आज़ाद अकेले होंगे और आज़ाद को भूख लग रही होगी। अकेला उससे चुपचाप खड़ा नहीं हुआ जा रहा होगा, तो वो सोचेगा कि उसे चाय बनाकर पी लेनी चाहिए। तभी वो चाय बनाने लगेगा, पत्ती बहुत ज़्यादा की मकदार में जग में डाल देगा। तभी मीरान और उसकी लड़ाई हो जाएगी। मीरान कहेगा इस तरह से चाय बनाते हैं, वो उसको चाय बनाकर बनाना सिखा रहा होगा। तभी इन दोनों की आपस में नोक झोंक हो जाएगी, लड़ने लगेंगे और बाहर से ये आवाज़ें सुनकर एलिफ फौरन भागी भागी इनके पास आएगी और कहेगी कि क्या एक दिन भी कि क्या एक इंसान भी ऐसा नहीं है मेरी फैमिली में जो मेरा साथ दे, जिसकी आंखों में बदला ना हो, जिसकी आंखों में नफरत ना हो, कोई एक तो ऐसा हो, आप तो मेरी बात को समझिए। फिर वो रोने लगेगी और कहेगी कि मैं आज़ाद को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं ये जंग हमेशा लड़ती रहूंगी, ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। जिस पर मीरान फिर भी कोशिश करेगा एलिफ को लेकर जाने की घर। तभी रियान मना कर रही होगी लेकिन मीरान बाज ही नहीं आ रहा होगा। तभी वो जल्दी से जाकर रियान डोर को लॉक कर देगी और उसके ऊपर ज़ोर से कोई चीज़ मारकर डोर के लॉक को ख़राब कर देगी। वो सब लोग चारों एक ही रूम में बंद हो जाएंगे। तभी लाइट भी चली जाएगी और खिड़की से कोई आग का गोला फेंकेगा अंदर की तरफ, तभी एकदम से आग लग जाएगी वहाँ पर। एलिफ परेशान हो जाएगी, मीरान, सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। रियान तो उसी वक्त धुएं से बेहोश हो जाएगी और आज़ाद के सर पर भी कोई गर्म चीज़ आकर लगेगी, वो भी बेहोश हो जाएगा। अब पीछे रह जाएंगे एलिफ और मीरान। मीरान सबको बचाएगा, रियान को उठाकर बाहर लेकर जाएगा और एलिफ को भी। एलिफ चीख रही होगी कि आज़ाद अंदर है, ऐसे में उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो दोबारा से बाहर से अंदर की तरफ भागेगी आज़ाद को बचाने के लिए। तभी उसे मीरान रोक लेगा और उसे कहेगा कि मैं जा रहा हूँ ना। फिर वो सब लोग बाहर आ जाएंगे, होश में आ जाएगा आज़ाद भी, लेकिन रियान नहीं आएगी। रियान सांस नहीं ले रही होगी। मीरान बड़ी मुश्किल से उसके अंदर फूंके भर भर के उसे सांस दिलाएगा और उसे ठीक करेगा। तभी दादी को पता चलेगा, जिन्होंने ये सारा काम करवाया, आग लगवाई, और देखकर बहुत खुश हो रही थी कि शादुलू फार्म को आग लगाकर इसने बहुत ही बड़ा काम कर दिया जैसे। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि अंदर एलिफ थी, तो दादी फौरन से वहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद दादा को पता चल जाएगा कि शादुलू फार्म पर आग लग चुकी है। तो चलिए बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार से रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।